गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंबा, दिस इज शक्ति सिंह साइनिंग अगेन. टुडे इज 14 जनवरी 2023, द मोस्ट हैपनिंग डे ऑफ दिस एंटायर शबरीमला यात्रा. हर कोई बस एक ही इंतज़ार में है कि कभी ज्योति के दर्शन होंगे. बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है यहाँ पे आज के दिन में, जो सिर्फ साल में आज ही मिलेगा देखने के लिए. हियर गुरु सेवा इज गोइंग ऑन विद दिस टू स्वामीज. गुरु स्वामी इज एंजॉइंग फ्री मसाज. दिस शास्ता प्रदीप इज गोइंग ऑन इन पंबा. एनुअली होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोग इतना ट्रैवल करके आते हैं. यहाँ पे शास्ता प्रदीप चल रहा है, यहाँ पे अन्नदान चल रहा है. ये दो ही हम लोग का मेन इंटेंशन है इस शबरीमला यात्रा. दिस ऑरेंज ज्योति इज कंसिडर्ड एज, यानी इनको हम लोग गणेश के रूप में देखते हैं. बीच में जो ब्लू वेस्टी है समय के ऊपर, ही इज हिमसेल्फ अय्यप्पा. दिस इज आवर बीरी. श्री राम अन्ना इज डूइंग द पूजा. यहाँ पर ये सब इरुमुड़ी है. दिस इज आवर किचन इन पंबा. सब अन्नदान का कंटिन्यू कल रात से तैयारी चालू है. हम लोग एक एक आइटम बना रहे हैं और जाके अन्नदान कर रहे हैं. मेन हम लोग का इंटेंशन उतना ही है, पूजा में एक फूल कम डालेंगे चलेगा, लेकिन अन्नदान आज रुकना नहीं चाहिए. यहाँ पे knowingly or unknowingly, we made this stronger. Yeah. It's 2 lakhs extra. Okay. Because the extra irumudi. Extra, 25 irumudis came. Okay. We don't know, it's going to come. From where they came, Ambattur. Bhagavat Sankalpam. Bhagavat Sankalpam. This happens only in Pamba. One small points will show you that Ayyappa's grace. देवा चरणौ श्री शबरीश राधा चरणौ श्री भूरनाथ अम्बावासनया शास्त्रापति. अभी जस्ट पूजा खत्म हुई है और अन्नदान स्टार्ट हुआ है फिर से. यहाँ आके जो
पूजा होती है या यहाँ का जो सिस्टम है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब। मतलब यहाँ आके पूजा करने अगर जिसको भी मिलता है उससे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं। इट इज़ जस्ट अमेजिंग बियॉन्ड द वर्ड। बस अन्नदान अभी फिर से चालू हो जाएगा। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैं थैंक्स बोलूँगा यहाँ से मेरे फैमिली, माय फ्रेंड्स और एंटायर जिसने भी मुझे आज तक ये उपवास करने में हेल्प किया। स्वामी जरनम, स्वामी जरनम, सिद्धेश हरी, स्वामी जरनम। ही इज़ फ्रॉम डोंबिवली, ओल्ड फ्रेंड। हाँ, वो इधर ही मिलता है, सिर्फ पंबा में आके मिलता है डोंबिवली होने के बाद। मैं अभी चले जाना गया। स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ, माय किड्स, माय एंटायर फैमिली, जो एक नॉर्थ इंडियन होने के बावजूद भी इस साउथ इंडियन कल्चर को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और मुझे पूरी तरह से हेल्प करते हो। 10 तारीख को जो कहानी अधूरी थी वो आज इधर पूरी करता हूँ पंबा में, शॉर्ट में एकदम। पंबा नदी के किनारे राजा अय्यप्पा को लेके चले गए अपने महल में और उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ सालों के बाद रानी को एक संतान और एक हुई। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद रानी और मंत्री, जो उधर का मंत्री था, उन लोगों में थोड़ा सा क्या बोलते हो, थोड़ा सा डाउट आ गया कि अभी अभी तो खुद का बेटा है तो फिर ये बाहर से लाए हुए बच्चे को राज पाठ वगैरह कैसे सौंपेंगे। तो वो लोगों ने एक प्लान किया, बीमार पड़ने का नाटक किया रानी ने, और जो राज्य का वैद्य उसको भी अपने साजिश में मिला दिया और उससे बोला गया ऐसा सबको, रानी तभी ठीक होगी जब उसको शेरनी का दूध में दवाई मिला के पिलाएंगे तभी। तो अय्यप्पा ने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी माँ है तो मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा। तो अय्यप्पा ने ये यात्रा फर्स्ट टाइम किया था। जैसे हम लोग आए थे उन्होंने अपने सब जेवर आभूषण वगैरह सब उतार दिए वहीं पर। उन्होंने भी एक जैसा हम लोग इरुमुड़ी रख के लाते हैं वैसे उन्होंने खुद के सामान के लिए, खुद के खाने के लिए ऐसी एक इरुमुड़ी बांधी, यानी फर्स्ट पोटली बांधी। इरुमुड़ी तो बाद में नाम पड़ा है, फर्स्ट पोटली बांधी, उसको अपने सिर पर रख के ब्लू कलर का वेस्टी यानी धोती पहना और एक जस्ट गले में एक छोटी सी माला थी। तो इस प्रकार ये यात्रा अय्यप्पा ने फर्स्ट किया और उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सबको मालूम है कि अय्यप्पा का जन्म एक मकसद के लिए हुआ था। अल्डा में महिषी और अय्यप्पा का युद्ध हुआ, अय्यप्पा ने महिषी को मारा और जो अपन ने देखा कल्लीडम कुंडरे जहाँ पे पत्थर रख रहे थे सब लोग, वहाँ उसको गाड़ दिया और एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके ऊपर रख दिया ताकि वो फिर से बाहर नहीं आए। ये जो महिषी और अय्यप्पा का युद्ध था ये देखने के लिए सारे देवी देवता आए थे और अय्यप्पा को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तभी शिव ने जो उनका वाहन है नंदी उसको वहाँ कालगट्टी में बांधा था, तो तब से उस जगह का नाम पड़ा है कालगट्टी। मतलब काल मतलब नंदी, नंदी का एक नाम है काल और शिव का नाम है महाकाल। जहाँ काल को बांधा गया हो उस जगह का नाम तब से पड़ा है कालगट्टी। दिस इज तंगचन अंद पैर सनी अंद पैर उटपाय दे आर द हेल्पर्स हियर, जो हम लोग को हेल्प करते हैं सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, पानी भरने के लिए। फाइनल काउंटडाउन चालू हो गया है अभी, इधर शाम के 5:30 बज रहे हैं। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पंबा नदी। साल भर जिस चीज़ का इंतज़ार होता है हम लोगों को, बस उसके लिए एक घंटा बचा है अय्यप्पा दर्शन के लिए। मकर संक्रांति के दिन अय्यप्पा ज्योति रूप में सबको दर्शन देंगे। बोलते ना कमी नहीं है दीवानों की इस दुनिया में, एक ढूंढो हज़ार मिलेंगे, नहीं ढूंढो तो वो तुम्हें ढूंढ जाएंगे। ये देखो ये जो दोनों पहाड़ है इसी के ऊपर ज्योति आती है और ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये झाड़ के पास इधर में पहले नक्षत्र आएगा, अय्यप्पा का नक्षत्र है उत्तरा, तो वो स्टार यहाँ पे आएगा, वो इंडिकेशन है। वो आने के बाद
फिर बाद में ज्योति आती है यहाँ पे। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ हार्डली 5 to 7 seconds, इसलिए जब वो स्टार आ जाता है उसके बाद लिटरली यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और सब लोग की आंखें बस यहीं पे होती है। स्वामी शरणम अय्यप्पा, या इस पावन और पवित्र धरती पर आकर दिल एकदम सुकून हो गया है, मन शांत, दिमाग शांत, ऐसे लगता है कि शबरीमला के चरण में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दूँ। गेले 3 दिवस जो प्रवास थकवाला होता तो आज मकर ज्योति आज दिसणार आणि तुझ्या पवित्र दर्शनात होणार या विचाराने सगळी थकान निघून गेलेली आहे। आमचे गुरु स्वामी खूप चांगले आहेत, सगळ्यांना चांगलं मार्गदर्शन करतात, प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन त्यांचं एकदम उत्तम आहे। शबरीमला यात्रा माझी जी घडली त्यात सगळ्यात मोठं योगदान शक्ती गुरु स्वामीचं आहे, त्यांच्यामुळेच मी इथपर्यंत पोचलो, माझे चांगले उपाय झाले, माझ्या जीवनामध्ये जो काही बदल झाला त्यात महत्त्वाचा हातभार त्यांचाच होता। मी अय्यप्पा चरणी लीन झाल्यामुळे माझ्या संसारात, माझ्या आयुष्यात आणि वाटचालीत नेहमी प्रगतीच झाली। आज लाखो की तादाद में आज लोग आए हुए हैं ज्योति दर्शन के लिए। पवित्र स्थान पंबा जो नदी है देख रहे होंगे आप लोग, और मकर ज्योति के दर्शन के लिए साल भर जो इंतज़ार करते हैं आज वो सपना, लोगों का एक सपना बोले आज वो पूरा होगा और नए साल की शुरुआत तो ज्योति के दर्शन के बाद लोगों की होगी। आशा करता हूँ कि लोगों की तरक्की हो और अपने 2023 के साल सबका शांतिपूर्वक बीते। स्वामी शरणम अय्यप्पा, 3 वर्ष आए स्वामी शरणम अय्यप्पा जी आपसे गुरु स्वामी शक्ति सिंह यात्रा पूर्ण करते हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा, 7 बजे आधा पौना घंटा और है, कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे से आके खड़े हैं ताकि ज्योति मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ हर कोई अपने अपने स्टाइल से अय्यप्पा के लिए अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। काउंटडाउन चालू है, पूरे टाइम में कभी भी ज्योति दर्शन हो सकता है। नक्षत्र उत्तरा राइट साइड स्टार शरणम अय्यप्पा। वो ऐसा ब्लिंक होएगा, ऐसा वो सिर्फ चमकेगा नहीं, ब्लिंक होएगा, वही है वो अय्यप्पा का नक्षत्र है उत्तरा। Come on!
एक 10 सेकंड के लिए इतने लोग सब 45 डेज का उपवास करते हैं और मेन मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ आते हैं सब लोग। स्वामी सरनाम शक्ति स्वामी के साथ आया लेकिन जीवन का धन्य हो गया जो देखने मिला मेरे को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अभी तो थाम्बू ना, इतना गर्दी में थोड़ी जाएगा, अभी तो बाहर चलो पहला। मनोहरम भगवानी।